आज हम बात करेंगे खाने में गोश्त कौन सा बेहतर है, क्या हमें ब्लैलर गोश्त खाना चाहिए या नहीं, गोश्त खाने के कौन से फायदे होते हैं और कौन सा गोश्त खाने से नुकसान हो सकता है। गोश्त इंसानी गजा का एक अहम हिस्सा है जिसके इस्तेमाल से प्रोटीन समेत बहुत सारे मिनरल्स भी हासिल होते हैं। एक है रेड मीट और दूसरा है व्हाइट मीट। रेड मीट में हमारे पास आ जाता है मटन और बीफ, और व्हाइट मीट में हम चिकन और मछली का इस्तेमाल करते हैं। अगर रेड मीट के खाने की बात करें तो इसमें चिकनाई की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है व्हाइट मीट की निस्बत। इसमें चिकनाई बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप रेड मीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की ज्यादती का मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर रेड मीट और व्हाइट मीट के खाने के मुतल्लिक बात करें तो रेड मीट सेहतमंद इंसान हफ्ते में 2 से 3 दफा मुनासिब मकदार में खा सकता है। ऐसे मरीज जिनको मोटापा होता है और दिल के अमराज वगैरह में मुबतला हो, और इसके अलावा जो जोड़ों के दर्द वगैरह के मरीज हो, इनको चाहिए कि रेड मीट बहुत ही मुनासिब मकदार में लें। अगर मैं व्हाइट मीट की बात करूं तो इसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर हम चिकनाई की बात करें तो जिन लोगों को चिकनाई किसी वजह से मना की गई है तो वो एक मुनासिब मकदार में व्हाइट मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दिल का मसला है, जोड़ों का मसला है और खून की शरियानों का मसला है तो आप कोशिश करें कि मछली का इस्तेमाल करें, वो इन सूरत हाल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। हमारे खित्ते में आयरन की कमी बहुत ज्यादा है, जैसा कि बच्चों में, औरतों में, मर्दों में और बूढ़ों में नजर आती है, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए रेड मीट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रेड मीट में आप मटन और बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे गोश्त की फॉर्म में इस्तेमाल करें या कीमे की फॉर्म में इस्तेमाल करें। अगर आपको खून की कमी है और इसके साथ मोटापा भी है, और इसके अलावा आपको कोई दिल का मसला भी है, तो आपने इसका इस्तेमाल डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही करना है। जो इंसान तंदुरुस्त है वो हर किस्म का गोश्त खा सकता है, चाहे वो ब्लैलर मुर्गी हो, देसी मुर्गी हो, मछली हो और रेड मीट हो, ये तमाम एक मुनासिब मकदार में खा सकता है अगर इसका सोर्स प्रोटीन है तो। अब हम चलते हैं, आखिर खराब गोश्त कौन सा है जिसको खाने से बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। वो है प्रोसेस गोश्त, जिसमें प्रोसेस भी 2 तरह का गोश्त होता है। प्रोसेस में फर्क यह है कि एक तो हम बाजार से गए, वहां पर ताजा गोश्त लिया, इसको धोया और बना लिया, ये तो है ताजा गोश्त। प्रोसेस मीट अभी हाल में ही शुरू हुआ है, इसमें 2 तरह का प्रोसेस मीट होता है। एक तो ये है कि गोश्त लिया, इसको साफ किया और पैक किया और इसको फ्रीज कर दिया, फिर इसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जो लंबे अरसे के लिए फ्रीज हो तो इसमें भी टॉक्सिन पैदा हो जाता है जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और इसके अलावा जो नगेट्स बन रहे होते हैं, इन नगेट्स में भी छोटी छोटी बहुत सी अकसाम होती हैं। इन नगेट्स को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि नगेट्स बाजार से लिए और इनको फ्राई करके खा लिया। इन नगेट्स में बेशुमार किस्म के केमिकल डाले होते हैं, वो केमिकल डाले होते हैं जो इन नगेट्स को लंबे अरसे तक महफूज रख सके। ये तमाम नगेट्स सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आम लोगों का एक सवाल होता है कि फार्मी मुर्गी का गोश्त यानी कि ब्लैलर मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं या नहीं, और इसके अलावा होता है कि देसी मुर्गी खानी चाहिए। इसका जवाब यह है कि अगर हम ब्लैलर चिकन को सोर्स ऑफ प्रोटीन रखेंगे तो ये भी अच्छा है, ये आप खा सकते हैं। जो देसी मुर्गी है ओपन फिरती है, भागती दौड़ती है, चुगती है और खाती है। अच्छी चीजें देसी मुर्गी भी नहीं खाती, लेकिन ये भागती दौड़ती है, इसके अंदर फैट मुख्तलिफ होती है बनिस्बत ब्लैलर मुर्गी के। देसी मुर्गी में कुछ मिनरल्स और विटामिन्स इसके अंदर बेहतर होंगे। इसके अंदर प्रोटीन वही होती है जो ब्लैलर मुर्गी में होती है, और कुछ गजाइयत ब्लैलर मुर्गी से बेहतर है। ये गजाइयत और मिनरल्स आप सब्जियों से भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन लेने का जो सस्ता तरीन सोर्स है वो ब्लैलर ही है। देसी मुर्गी काफी महंगी है और आसानी से नहीं मिलती, इसलिए आप जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ब्लैलर मुर्गी से अपनी प्रोटीन बेहतर तो कर सकते हैं। ये एक सस्ता सोर्स है बाकी सब मीट से। आजकल तो देसी मुर्गियों के भी शेड चल रहे हैं, वो वही खुराक वहाँ दे रहे हैं जो ब्लैलर मुर्गी को दी जाती है। वैसे ही सारा सोर्स चलता है जिस तरह ब्लैलर मुर्गी का चलता है। लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैलर मुर्गी पर बहुत ज्यादा टॉक्सिन आ गए हैं, वो भी अभी तक किसी तहकीक में रिपोर्टेड नहीं है, किसी जर्नल या तहकीक में अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है कि ब्लैलर मुर्गी में टॉक्सिन पैदा हो गया है। तो इसको मुनासिब क्वांटिटी में खाने से कुछ नहीं होता। लोग बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा है, इसके अंदर गलत फहमियां बहुत ज्यादा है।
आपको नुकसान उस वक्त होगा जब आप कोई भी गोश्त लिमिट से बढ़कर खाएंगे, लिहाजा मुनासिब मकदार में हल्की आंच पर पका हुआ गोश्त खाएं। फ्राई गोश्त से बचें। अगर गाय के गोश्त की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो 100 ग्राम गोश्त के अंदर 250 कैलोरीज, 15 ग्राम फैट, 30% कोलेस्ट्रॉल, 3% सोडियम, 14% आयरन, 20% विटामिन बी, 5.6% मैग्नीशियम, 1% कैल्शियम और विटामिन डी और 43% बी कम्प्लेक्स वगैरह पाए जाते हैं। जबकि बकरे के 11 ग्राम गोश्त में 294 कैलोरीज, 32% फैट, 45% सैचुरेटेड फैट, 32% कोलेस्ट्रॉल, 3% सोडियम, 1% पोटाशियम, 50% प्रोटीन, 10% आयरन, 5% विटामिन डी वगैरह पाए जाते हैं। गजाई माहरीन के मुताबिक बकरे का गोश्त गर्म तसीर रखता है जबकि ये ताकत बख्श है। गाय का गोश्त ठंडी तासीर रखता है जिसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। अगर बात की जाए सफ़ेद और लाल गोश्त की के इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं? सफ़ेद और लाल गोश्त के अपने अपने फायदे हैं, इनको लिमिट में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकता है जैसा कि दिल के अमराज, मोटापा, जिगर के अमराज और शुगर वगैरह शामिल हैं।